सिंग सर आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल हेल्दी हैप्पी सेफ एंड साउंड गाइस। सो गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही रिक्वेस्टेड था मैंने आपकी ही के कॉमेन्स में से आ, देखा है रिक्वेस्ट थी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक की तो यस, आई एम ही दिस टॉपिक के आपके फ्यूचर्स हाउस या हस्बैंड का क्या रिएक्शन होने वाला है आपको दुल्हन बना देख शादी वाले दिन ओके गाइज सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स के अकॉर्डिंग मैंने पायल्स डिवाइड किए हैं पायल नंबर वन ब्लू पायल सितंबर मई जनवरी जून जुलाई फेबर एंड पायल नंबर टू ग्रीन पायल मार्च अक्टूबर अप्रैल अगस्त नवंबर एंड दिसंबर ओके आपके बर्थ मंथ है जिस महीने में आपका जन्म हुआ था अच्छा जो लोग इंटिवली पायल चूज़ करते हैं पायल नंबर वन आपके पास ब्लू फैदर है एंड पायल नंबर टू आपके पास

ज स्पाय रिएक्शन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस आपके फ्यूचर का क्या रिएक्शन रहने वाला है शादी वाले दिन आपके देख के उनका क्या रिएक्शन रहने वाला है लेट्स ओके दिस इज फाइव ऑफ कप्स एंड क्या रिएक्शन रहने वाला है आपके हस्बैंड का फ्यूचर हस्बैंड का शादी वाले दिन को दुल्हन बना देख कर उनका क्या रियक्शन रहने वाला है किंग ऑफ फायर किंग ऑफ वैंड या किंग ऑफ फायर्स and this is two of cups and this is five of swords <laughs> pile number 1 I can see two fives here जो के five of cups and five of swords की एनर्जी है मुझे ऐसे दिखता है पायलम भवन कि ये इंसान खुश तो ओबियसली होगा लेकिन मुझे इमोशनल होने की बहुत वो आ रही है वाइब क्योंकि हो सकता है आपकी शादी बहुत देर के बाद मतलब अरसे के बाद या बहुत नो स्ट्रगल्स करने के बाद हो एक दूसरे के साथ और ये पर्सन इसको यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा ज़रा इसको यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों की शादी हो गई है ठीक है क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन है तो लाइक लिटरली दिस पर्सन विल बी शॉक्ड ये एक होता है ना एक सिचुएशन अनबिलीवेबल अब आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था आपको ज़रा यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये क्या है मैं क्या देख रहा हूँ ठीक है तो देट इज़ द पर्सन दैट इज़ द थिंग वही मुझे दिख रही बहुत इमोशनल बल्कि नोट नॉट रियली इमोशनल मतलब आप अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्टॉट्स आपकी जब होती हैं ना कि जब आपको लगता ही नहीं है कि ये रियालिटी है आपको लगता ही नहीं कि जो मैं देख रहा हूँ ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा दिस इज़ द थिंग दैट इज़ दिचुएशन वैन वन योर पर्सन विल बी विद यू और आपको देखेंगे या ओवरऑल लोगों को शादी की भी वाइब है ना शादी वाले दिन की भी वाइब दैट इज लाइक दैट ठीक है ऑल्सो यहाँ पर टू ऑफ कप्स है तो ओबियसली दिस इज़ अ सोलमेट कार्ड ठीक है जब आप अपने सोलमेट से अपने अदर हाफ से मिल जाते हो ठीक है बहुत स्ट्रगल्स के बाद ऑलवेज अबाउट स्ट्रगल और जब आपने बहुत यू ना लड़ाइयाँ लड़ी होती हैं यू सी द शील्ड शील्ड आप देख सकते हो कैसे इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है या अपनी फ़ाइट अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं ओके तो मुझे ऐसे दिखता है कि बहुत ज़्यादा डिफेंस के बाद बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग अपने आपनी करके फाइट करके ये शादी होगी ठीक है तो फिर वो होता है ना एक अनोस्टैलजिक सी फीलिंग होती है एक बिल्कुल ही उस तरह का दिख रहा है ठीक है मतलब तो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है स्टिल दिस पर्सन इज़ इन पावर इतना कुछ सहने के बाद भी इतना कुछ देखने के बाद भी इतना कुछ यू नो इमोशनल होने के बाद भी दिस पर्सन विल नॉट लूज़ द कंट्रोल किंग ऑफ वैंड किंग ऑफ पावर है किंग ऑफ वैंड किंग ऑफ अट्रैक्शन है गुड लुक्स ठीक है ये ख़ुद भी दिस पर्सन इज़ हिम सेल्फ लुकिंग वेरी स्मार्ट वेरी हैंडसम ठीक है तो और भी फुल यू नो ग्रूम बन के अच्छा वाला मुझे दिख रहा है बहुत ही यू you नो know, अच्छी वाले कपड़े और आई डोंट थिंक सो कि सिंपल में जाएँगे ये ख़ुद भी एज आ ग्रूम क्योंकि किंग ऑफ वियली फैंसी किंग ऑफ इज़ वेरी लग्जरी तो यहाँ आपके ट्रेडिश ट्रेडिशन में जो भी पहनते हैं ग्रूम्स um, उसी को उसकी जो बेस्ट वर्जन है ठीक है um, मतलब ब्रोच मे uh, बी टर्बन अगर वो पहनते हैं आपकी कल्चर में तो टर्बन ब्रोच um, पजामाज या यू you नो know, शेरवानी कुर्ता वट एवर दिस विल भी ट्रेडिशनल गेटअप ठीक है ट्रेडिशनल गेटअप और माला आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन इज वेरी लग्जरी एंड गले में इन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ डेफिनेटली दे वी वियरिंग सम माला टाइप बिकॉज ये सी द नैक कॉलर यहाँ पर ये यह नैक कॉलर ना देख लें यहाँ पर हो सकता है इनकी ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो आ, इनके कोट पर आ, या सो लेट सी मोर आपको देखें का क्या रिएक्शन होने वाला है फाइल नंबर वन ये तो थी उनके इमोशंस आपको देखकर उनका क्या रिएक्शन होने वाला है एट ऑफ कप्स सॉरी सेवन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वैंस आपको देख के उनका क्या रियक्शन रहने वाला है ऑफ एंड दिस इज नाइन ऑफ सॉरी दिस इज जस्टिस कार्ड लाइन नंबर जस्टिस का एट ऑफ पेंटिकल्स क्या रिएक्शन होगा आपको देखकर एंड दिस इज सिक्स ऑफ कप्स बॉटम में आपके पास क्या है फाइव ऑफ वैंड्स कमिंग अप रिवर्स ओके वी विल टेक इट एज रिवर्स नंबर पहलावान uh, आपको देखे इनका रिएक्शन होने वाला है आई um, थिंक आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो बट उन्होंने एक होता ना अनएक्सपेक्टेड होना कि कोई कैसा दिखेगा ये इसको पता था कि आप ऐसे ही दिखोगे आई <laughs> थिंक आप दोनों में नज़दीकियाँ बहुत है एंड दे नो हाउ ब्यूटीफुल यू आर या हो सकता है इन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा इमेजिन किया हुआ हूँ आपको या ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे सब कार्ड्स रिवील्ड है पॉसिबिलिटी uh, है कि आप उनको मतलब यू नो उनके जहाँ आने से पहले बारात आने से पहले आप उनको अपनी पिक्चर सेंड कर दो जब तैयार हो <laughs> ऐसे ऐसे करके सरप्राइज सारा टूट जाता है बट आई डोंट नो मे भी ये बहुत ज़्यादा जिद करके इन्होंने मंगवाई है या मुझे नहीं पता आपका दिमाग खा खा के वहाँ पर जब आप उधर थे तैयार हो रहे थे कि मुझे पिक्चर दिखाओ मुझे दिखाओ मुझे भेजो भेजो तो आई थिंक आपने तंग आकर भेजी थी या आप भी ज़रा ओबियसली आपके लिए भी बहुत इमोशनल डे है या आपके लिए भी काफ़ी एक्साइटमेंट का डे है तो एक्साइटमेंट uh, में या उनके प्रेशर किसी तरह आके ना आपने इनको पिक्चर भेज दिया आई थिंक नो ऑलरेडी हून डो यू लुक लाइक ओके बट दे थिंग सेवन ऑफ कप्स है यहाँ पर फिर भी अ लॉट ऑफ इनकी जो ब्रेन है ना इसमें बहुत सारे थॉट्स मैं देख रही हूँ आते हुए आपको देख कर ओके बिकॉज थ्री ऑफ एंस है कि पता नहीं वेट ही वेट है यहाँ पर और सिक्स ऑफ कप्स के मतलब जो बहुत अरसे के बाद कुछ कुछ मिला होता है ठीक है बहुत सालों के बाद नंबर वन आई थिंक आपका रिले रिलेशनशिप ना बहुत देर चला या चलेगा और लिटरली ये बहुत हर तरसे हुए फॉर ईच अदर <laughs> क्रेविंग फॉर ईच अदर सो लवली कपल सो ब्यूटीफुल एनर्जी तो दिस इज सो दिस इज सो टचिंग हाँ टचिंग तो उनका ना आपको वो दुल्हन बना दे के रिएक्शन यही रहने वाला है कि यू विल नॉट बी शॉक्ड ओबियसली नॉट वे शॉक उनको पता था आप ऐसी ही दिखोगी आप ऐसी दि, दि, दिखोगे इतनी सुंदर ही दिखोगे बट दिंग इज़ है कि दिस पर्सन इज अगैन गेटिंग इमोशनल ओके सो क्योंकि ये पर्सन को ना आपके लुक से ज़्यादा ना उसको जिस चीज़ की खुशी है ना वो ये है कि फाइनली यू बोथ मेड इट ओके तो so, यहाँ पर एट ऑफ़ नीचे ये भी था ना एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दैट इज़ अ थिंग मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी जो ब्राइडल लुक है ना सेवन ऑफ सॉरी सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपकी जो ब्राइडल लुक है ना दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लग्जरी ओके दैट इज़ गोइंग टू बी लग्जरी बट मैं आपकी ब्राइडल लुक की और नए कार्ड्स लूँगी बिकॉज दैट वॉज इज रिएक्शन एक्शन लेट्स लेट सी वट लुक विल यू गेट ऑन योर मैरिज डे सेवन ऑफ वैंड सॉरी एट ऑफ वैंड एंड ब्राइडल यू गेट एमप्रेस एमप्रेस ओके एंड यूर यू आर एमप्रेस राइट एस ऑफ सोर्स योर ब्राइडल लुक इज गोइंग टू बी रिक हॉर्मा कार्ड लिटरली ये उनको अपने ग्रोम को बदहोश uh, करने के लिए बेहोश करने के लिए लिटरली इनफ है आपके लोग लिटरली इनफ है एस ये यू सी सीधा तलवार ओवर रहे सोड हो रहे है, हो ठीक है ऐसे दिन के दिल में लिटरली ठा कर गए ना इसे कहते ना बजना सो दैट इज द थिंग आई एम लुकिंग ओके आपके गेटअप की बात करूँ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रेडिशनल वेरी अप टू डेट वेरी लग्जरी ठीक है आई थिंक आपके हेड पीस स्पेशली आपकी हेड ज्वेलरी ओवरऑल ज्वेलरी मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है कुछ लोगों के केस में आई थिंक यू विल गो फॉर ट्रेडिशनल रेड या पर्पल या गोल्ड इस तरह के कलर्स में और uh, मुझे ऐसे भी दिखता है कि एज इफ आई थिंक आपका जो यू नो ज्वेलरी में uh, जो आपकी मांग टिका है या माथा पट्टी है कुछ भी आपका ट्रेडिशनल डिज़ाइन है दिस गोइंग टू बी कैट वेरी प्रोमिनेंट अपने हेड पे आप देख सकते हो ऑल्सो आपका काजल आपकी जो है मेकअप बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है और आपके ड्रेस में भी मुझे दिखता है कि काफ़ी लग्जरी काम आप, मतलब काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी और काफ़ी हैवी मुझे यहाँ पे जोड़ा लग रहा है आई नो कुछ लोग कहेंगे आई वॉन्ट टू गो फॉर सेम बट नो पे भी आपके जो ये जो है ना ये किंग ऑफ वॉन्ड्स दिस किंग विल नॉट लेट यू बी सिंपल ये आपको सिंपल नहीं रहने देगा इवन इफ यू वॉन्ट यू विल बी से नो 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 बेबी नो बेबी गेट अ ट्रेडिशनल लुक फिर आप नहीं मना कर पाओगे ओके okay? सो so, यहाँ पर कारमा कार्ड है दैट इज़ द थिंग um, um, कुछ कुछ लुक आपकी आपकी मदर से आई थिंक यू विल कॉपी अपनी मदर का जस्ट अ प्राउड डॉटर तो हो सकता है आपकी मदर की जो भी लुक थी या आपकी मदर के जो कलर ड्रेस का कलर था उनकी शादी के दिन मे भी आप वो चोरी मतलब उसको वो कॉपी करो ठीक है तो मुझे ऐसे दिखता है कि आपकी मदर की कुछ ना कुछ आप में वाइब है या ये भी हो सकता है कि आप शादी वाले दिन दुल्हन बन के अपनी माँ की तरह दिखो ये आपको बहुत सारे लोग कहेंगे वहाँ तैयार होने के बाद ना कि अपनी माँ की तरह दिख रही हो मैं भी आपके डैड या आपकी बुआ ठीक है जिन ने उनको देखा हुआ है शादी वाले दिन दुल्हन बने आपकी दादो या यू you नो know, आपकी नानों ठीक है नानी आपकी तो या दे विल टेल यू कि यू एब्सोल्युटली लुकिंग लाइक हर सो या लेट्स सी मोर आई थिंक बहुत इमोशनल वेडिंग है यहाँ ये यह, बहुत इमोशनल दिन है आपके लिए अब ये बातें सुन के भी इमोशनल हो जाओगे या बिकॉज आई कैन सी के आपकी मदर हो सकता है रो पड़े आपको देख कर वहाँ वेल दिस इज़ द डेथ कार्ड एंड आई कैन सी हॉर्स फेस और दैट इज अगैन ट्रेडिशनल वेडिंग और उनका रिएक्शन एट ऑफ सॉरी दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड दिस पर्सन इज रियली स्ट्रॉन्ग मैन एंड कप्स इनका रिएक्शन टावर वेल पर्सन देखो ये बंदा ना आपको बाहर बताऊँ इनकी मैं इनकी कमजोरी बताती हूँ आपको दिस पर्सन इज सो क्या कहते हैं ना स्ट्रॉग या बहुत ही दिखता ऊपर से बड़ा मैं स्ट्रोंग हूँ और मैं बड़ा ही जो है वो मैन हूँ बिकॉज जिस स्ट्रेंथ कार्ड यू सी सी द टाइगर फेस अगर आप गौर करें तो टाइगर फेस ये इसका मुंह है ये इसकी सारी यू नो मुस्ताश और ये साइज़ तो बंदा से शो करता है कि आई एम रोरिंग मैं ऐसे कुर्रा रहा हूँ मैं ये मैं वो हॉर्स भी सी तो यहाँ पे ईगो ब्राइड और सब चीज़ों को इंडिकेट करता है बट आई थिंक इज ये टावर एनर्जी है आपकी ब्राइडल लुक इनका सत्यानाश करने के लिए काफ़ी काफी है ठीक है ऑफ ऑफकॉर्स देखते ही पिघल जाएंगे लिटरली विल शैटर्ड लाइक ओ बेशक उनको पता है कि आप कैसी दिखती हो आप यहाँ हो मुझे वैसे लग रहा है आप पिक्चर भेज दोगे लेकिन ऐसे करना ना <laughs> जितना मर्जी प्रेशराइज करें ना ऐसा करना ना सारा वो टूट जाता है हाँ uh, सस्पेंस और यू you नो know, एक वो चीज़ होती है फर्स्ट लुक की वो रहने देना मेरे ओपिनियन में वैसे आपकी मर्जी तो Uh, टावर है तो जो लोग नहीं दिखा रहे पिक पिक्चर ठीक है उन पर तो डेफिनेटली इन पर टावर गिरना है आपको देख के लिटरली दिस इज आउट ऑफ हिज माइंड लेकिन स्टिल ये बंदा नर्व्स का बहुत स्ट्रांग है कभी भी ये मत सोचना कि वो um, शो करेगा कि मैं तो बस तेरी बिल्कुल ही अंदर से जो है ना <laughs> अब मैं कुछ लांग नहीं यूज़ करना चाहती बट यू ना अंदर से बिल्कुल ये बंदा ख़त्म बिल्कुल फिनिश आपको देख दे कर लिटरली ऊपर-ऊपर से शो करके भाई मैं तो कूल हूँ हाँ ये तो स्ट्रांग मैन <laughs> कोई स्ट्रांग नहीं है ये ठीक <laughs> है इज़ हिज इमोशंस क्या रहने वाले हैं विक्टम विक्टम तो उनको आएगा डेफिनेटली इनको कॉम्प्लेक्स आएगा आप जो मर्जी कर लो कॉम्प्लेक्स इसको आना ही आना है बिकॉज दिस पर्सन विल बी लाइक ओ माई गॉड इतनी सुंदर ये लग रही है ठीक है इतनी सुंदर लग रही है तो मेरा क्या बनेगा <laughs> ठीक है या फिर इनको खुद पे भी कॉम्प्लेक्स आ सकता है कि मैं इतना नहीं लग रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है सो या जो आई एम वेरी हैप्पी यू सी डांसिंग तो इनका डांस भी आप देखोगे ये अपनी शादी में बहुत डांस करने वाले हैं ठीक है ये उनके दोस्त लोग soulmate, congratulations तो ऑबियसली दिस इज अ सोल मेट वेडिंग वेरी हाई वाइब्रेशनल वेडिंग सर्विस शादी वाले दिन ये खाली वो वाला दुल्हा नहीं है जो सिर्फ स्टेज पर बैठता है इवन वर्क अलॉट जो भी उनके अपने उधर अपने घर में भी काम शाम है ही विल बी डूइंग हिमसेल्फ खुद करेंगे और वेरी हार्ड वर्किंग दूल्हा बहुत एक्साइटेड है मुझे पता नहीं क्यों इतनी खुशी हो रही है आप लोगों का वो देख के ना पूरा सिस्टम एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट दिस इज अ सोल कनेक्शन पायल नंबर वन और दूसरी ये भी है कि आपका जो एक रिलेशनशिप है ना ये हायर लेवल हाई लेवल कनेक्शन होगा ओके okay? ये सिर्फ यहाँ पर फिजिकल यू you नो know, जिसम का मिलन और ये सब चीज़ें यहीं तक नहीं है कन्फाइंड यहीं तक नहीं है ये लिमिटेड ओके दिस इज़ आ सोल कनेक्शन सोल टू सोल मीटिंग है ये यू विल फील बिटर बिटर स्वीट दिस इज जस्ट लाइक खुशी के आंसू ओके okay? जब आपके लिए कोई चीज़ पेनफुल होती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होती है ठीक है ना पेन पेन प्लस प्लेजेंट एक मिक्स्ड फीलिंग होती है ना ये ऐसा आपका होने वाला है कि खुशी है कि शादी है सोलमेट मिल गया है और यू you नोम know, आपको पता है फिर घर छोड़ने का या फिर खुशी के आंसू के गॉड ने हमारी सुन ली इस टाइप की मिक्स्ड फीलिंग्स हैं परजरवरेंस ये बंदा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा जिंदगी भर ये बंदा आपका हाथ नहीं छोड़ेगा हमेशा ये बंदा आपको अपने साथ रखेगा ओके सो लेट्स सी लव मैसेजेस शादी वाले दिन प्लीज सपोर्ट मी वट एवर मे बी द कंडीशन हालात कुछ भी हो प्लीज हमेशा मेरा साथ देना कह रहे हैं कि आप जिस तरह से उनको देखती हो तो आपके जो लुक है आपके जो गेज है नज़र वो समटाइम्स उनसे बर्दाश्त नहीं होती आई थिंक यू हैव इंटेंस आइज आ यू लुकिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टुडे तुम आज के दिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो ओके okay. आखिर फिर पा ही लिया तुम है मंजी मैंने अब तुम कहाँ जाओगी वेल well, मेरे को बताया है आप लोग बहुत मुश्किल से आपको हासिल करेंगे ज़िंदगी में से आई यू माई अदर हाफ प्लीज़ कम्प्लीट मी ऑल्सो फेरी टेल वेडिंग डेकोर आई थिंक वेडिंग डेकोर बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है आपकी शादी वाले दिन का लेट्स मेक दिस डे मेमोरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ आओ इस दिन को हमारी सारी जिंदगी के लिए एक हिस्ट्री एक याद एक मेमोरी बनाकर रखते हैं वाई आई एम फीलिंग सो मच अट्रैक्शन मुझे इतनी अट्रैक्शन की हो रही है बेबी आपकी राइड इतनी खूबसूरत लग रही हैं इतनी अट्रैक्टिव लग रही हैं तो आपको तो अट्रैक्शन आएगी ना क्या बातें कर रहे हैं भैया <laughs> है ना कभी तो पास मेरे आओ कभी तो नज़रें मुझसे मिलाओ ओ जाना दिस इज़ द चैनल सॉन्ग फॉर यू फाइल नंबर वन आई फील अ स्ट्रॉन्ग पास लाइफ कनेक्शन भी दि मुझे ऐसे लगता है कि अब तुम्हारा मेरा सा स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है लुकिन टू माई आईज कांट यू सी हाउ मच आई लव यू मेरी आंखों में देखो तुम्हें नहीं दिखता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ योर लुक्स विल किल मी टू नाइट आज की रात तुम्हारे लुक मुझे बिल्कुल ही मुझे जो किल कर देगी आई नो यू मिस मी टू मुझे भी पता है तुम उसे कितना याद करती हो मुझे मैं तेरा बन जाऊंगा दिस इज अ चैनल सॉन्ग फ्रॉम योर पर्सन ओके गाइस दैट्स इट फॉर टुडे आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय हेलोव्स हेलोव्स पाइल नंबर टू लेट्स सी कि आपके इस पास का क्या रिएक्शन रहने वाला है आपको दुल्हन बना देख उनका क्या रिएक्शन रहने वाला है

Eight of Pentacles and Moon Okay, file number two, King of Cups and Page of Swords. Hmm. पहले नंबर टू सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है वो है भाई आपकी सुंदरता बिकॉज यू है वेरी वेरी लवली ब्राइड बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर बहुत ही आ, जिसे कहते हैं ना सही सही मीनिंग में कोई ब्राइड होती है दैट इज़ गोइंग टू बी योर लुक बिकॉज द एम्प्रेस कार्ड है एम्प्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फुल लग्जरी स्टाइल फुल फुल ज्वेलरी की मेकअप आपके है ड्रेस आपका एवरीथिंग थिंग आपकी ओवरऑल लुक रूप बहुत 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 चढ़ेगा बहुत चढ़ेगा रूप ओके बिकॉज आई कैन ऑल्सो सी के मे बी मे बी कुछ ट्रेडिशनल आप पहनो हाँ बिकॉज एम्ब्रेस इज रियली क्वीन टाइप राजकुमारी टाइप स्टाइल इस तरह का कुछ करो माथा पट्टी या झूमर या यू नो टिक्का मांग टिक्का इस तरह का कुछ बहुत है सा आप हेड पीस भी पहन सकते हो आई कैन ऑल्सो सी के बिकॉज इस यू नो हॉर्स एनर्जी तो हो सकता है आपके जब बारात है वो भी थोड़ी ट्रेडिशनल स्टाइल में आए मे बी नकाट और यू नो घोड़ा कुछ इस टाइप की स्टाइल हो उनका ठीक uh, है घोड़ा तो टेम्प्रेली होता है ना ऑब्वियसली जाना तो बाद में गाड़ी में ही होता है बाद में गाड़ी में बैठ जाते हैं डोवर ये मत सोचना कि मुझे घोड़े पे लेके जाएगा घोड़े पे नहीं लेके जाता बट दिस इज़ जस्ट फॉर यू नो एक स्टाइल या रस्म कह लो ठीक है तो यहाँ पर एरोफेंट की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर यू नो रिलीजन रिलीजन इसका एरोफेंट तो आपकी थोड़ी रिलीजियस मतलब रिलीजन में जो भी आपकी है ना पूरी रस्में और पूरा जो भी सिस्टम है वो पूरा होगा ओके दिस इज़ नॉट वेरी वेरी मॉडर्न टच वेडिंग तो थोड़ी रिलीजन थोड़ा सा कल्चर ट्रेडिशंस रस्में रवाज़ ये सब चीज़ें होंगी एट की एनर्जी नजरिया बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ होगा बहुत ज़्यादा के ऊपर ना जो लुक है ना आपकी आपको आप पार्लर से तैयार होते हो ब्यूटी पार्लर से सैलोन से या फिर घर पे आप बुलवाते हो किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को तो आई कैन सी इट हैवी वर्किंग ऑन यू एट पेंटिक्स बहुत ज़्यादा मेहनत होगी आपके ऊपर स्पेशली आपको तैयार करने में ओके तो इवन इफ आप खुद भी तैयार होते हैं कुछ लोग हो जाते हैं खुद भी अगर उनको आता हो मेकअप या फैमिली में किसी को आता हो स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके ऊपर वर्किंग होते हुए ओके और है तो पेज ऑफ फोरस है ये बंदा ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा ये आप भूल जाओ ये आपको सांस भी लेने देगा जब तक तो आपको देखेगा नहीं ओके मतलब मैं आपको मैसेज कर करके आपको टेक्स्ट कर करके जब तक तो ये आया नहीं है ना बारत ले जब तक तो ये अपने घर में आना या उधर जब तक ये लोग निकले नहीं है ये विल बी लिटरली बी लाइक मुझे को पिक्चर भेजो क्योंकि क्यूरोसिटी का कार्ड है पेज ऑफ सोर्स क्यूरोसिटी का कार्ड है ये पर्सन विल बी लाइक कि नहीं मुझे बताओ मुझे दिखाओ मुझे पिक्चर भेजो तुम कैसे दिख रही हो मैंने देखना है मैंने देखना है मैंने देखना है लेकिन आप मुझे नहीं लगता इनको पिक्चर भेजोगे विल बी लाइक कि देखना है ना तो आओ और देख लो मुझे आके ठीक है और बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है करना भी ऐसे चाहिए <laughs> कोई ज़रूरत नहीं पिक्चर भेजने की राइट तो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर ओके तो ई विल लिटरली इन लव वि देखती ही विल फॉल फॉर यू सो मच लव सो मच इमोशंस किंग ऑफ कप्स किंग ऑफ लव किंग ऑफ रोमेंस किंग ऑफ एवरी थिंग दिस पर्सन इज लाइक माई गॉड मुझे तुमसे दूसरी बार प्यार हो गया है पहली दफ़ा तो जब हुआ था हुआ था दूसरी बार अब दोबारा हो गया तो आई थिंक इमोशंस ये बंदा हमारा बड़े कंट्रोल करने की कोशिश करेगा बट इनसे हो नहीं पाएगा मून एनर्जी अगैन वाटर साइन कैंसर सो मच सो मच इमोशनल इमोशंस ये नहीं मुझे नहीं लगता इसे कंट्रोल हो पाएगा आपको देखकर बाज़ लड़के होते हैं ग्रूम्स होते हैं वो कर जाते हैं संभाल लेते हैं अपने आप को आई डोंट थिंक्स और कुछ लोगों के केस में कुछ फॉर यू फ्यू में भी वो उनकी आंखों में थोड़े से आंसू भी आ जाए क्योंकि ये मून एनर्जी है इमोशनल होकर हल्का सा रो दें वो हो सकता है छुप के रो लें यहाँ किसी को पता ना चलने दें लेकिन दिस इज पॉसिबल ह्यूज ह्यूज चांसेस यहाँ पे दो वाटर साइन के कार्ड आए हैं किंग ऑफ कप्स और ये मोन ये दोनों के हैवी हैवी एनर्जी हैं आपके ग्रूम में लिटरली लिटरली विल बी लाइक ओ माय गॉड ओ माय गॉड वाला हिसाब है ओके लेट्स सी मोर की आई वांट टू सी मोर दिस इज टेम्परेंस आई थिंक इनको कुछ शांत करेगा <laughs> का कर ताकि दोस्त वोस्त है क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी माँ भी हो सकती है मोम या इनकी दोस्त वग़ैरह कि जो उनको शांत करेंगे दे विल और बी इट ऑल राइट ठीक है संभालो खुद को तो इस तरह का सीन देखने को मिल सकता है और लेट्स सी मोर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा शादी वाले दिन ये डोनेशन पूरे नीडी की हेल्प बहुत ज़्यादा दान करेंगे और uh, मुझे से दिख रहा है कि इतना ही खुश है बंदा कि मैं क्या बताऊँ ठीक है ये अपनी खुशियों में उन लोगों को जो कि लेस प्रवलेज हैं जो कि नीडी हैं उनके बहुत हेल्प करेगा ओके और यहाँ करनी भी चाहिए ठीक है नेगेटिव एनर्जीज रिलीज, रिलीज होती हैं ऐसे टू ऑफ वैन इनको ना ऐसे लगेगा कि जैसे पूरी दुनिया मेरे को मिल गई यूसी ना यूसी देखो ये ग्लोब है हाथों में हाथों में जैसे पूरी उन्होंने इनकी दुनिया इनको मिल गई है दिस इज़ देयर अ फीलिंग टू ऑफेंस पेयरिंग जब आप, आपको कोई चीज़ हासिल हो जाती है जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो ऐसे इनकी फीलिंग होने वाली है ठीक है अगैन यहाँ पर एक और भी मैसेज uh, है प्रोटेक्शन का द वे दीज हैंड्स आर प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड इनको ये होगा कि शी इज़ माई वर्ल्ड ये मेरी दुनिया है और मुझे इसकी इसी तरह से प्रोटेक्शन करनी है ठीक है तो आई थिंक ये बंदा प्रोटेक्टिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपको देख कर ना क्योंकि ओबियसली पहले तो उन्होंने सिर्फ आपको उसी तरह देखा ना अपनी फैंसी है मेरी या मेरी गर्लफ्रेंड है या, या यू नो जो भी है अब उन्होंने देखा आपको कि मेरी पत्नी है मेरी वाइफ है ठीक है तो इन दोनों चीज़ों में बहुत जमीन मान का फ़र्क होता है कि आपको एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो लिटरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वट यू आर डूइंग इस तरह ठीक है So yeah, और क्या चीज़ है यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स एंड नाइट ऑफ वेंट्स सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स ओह माई गॉश दिस इज़ सो लग्जरी दिस इज़ सो क्वीन ऑफ वेंट्स पाइल नंबर टू आपको पता भी इसका क्या मतलब है एक्सट्रीम एक्सट्रीम एट्रैक्शन टूअर्ड्स योर पार्टनर नॉट रनली पार्टनर बल्कि ये तो पूरी दुनिया में मशहूर होती है मतलब जो जो भी आपको देखे गाना शादी वाले दिन दे विल भी लेके बहुत रूप चढ़ा बहुत सीन लग रही हो बहुत सुंदर लग रही हो ए नाइट ऑफ सोर्स ये बंदा का बस नहीं चलना कि ये हवा के घोड़े सवार हो जाए और भाग के जो है ना उड़ के उड़ के आ जाए यहाँ ठीक है बहुत ज़्यादा पैशन रहने वाला है इनका और क्वीन ऑफ सोर्स इज अगैन मुझे आई जो आपको कार्ड से अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे लग्जरी चीज़ें हैं यहाँ पे कितनी अट्रैक्शन है कार्ड में एनर्जी बहुत ज़्यादा है सो so, या yeah, एक तो ये है एरज लियो सैजिटेरियस की यहाँ वाइब है और uh, साइन की लिब्राक्वारियस एंड जमना की वॉट साइन ऑफ कोर्स स्पाइसिस को अपी हो गया सर बहुत ज़्यादा यहाँ प्रमिनेंट है किंग ऑफ सोट बाबरे कोई तो किंग छोड़ दो <laughs> सारे किंग्स आर कमेन किंग ऑफ कार्स किंग ऑफ वैंड किंग ऑफ़ यू नो सोर्स आई थिंक आपसे बात करने, करने का इनका दिल करेगा बट आई थिंक कर नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द गेस्ट वगैरह घर वाले Vands, Ace of एस and एंड किंग ऑफ सोर्स ये बंदा ना बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक अपने आप को एनर्जी अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील से मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई है आपको देख के उनको लगेगा मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई है आपको एज अ वाइफ देख के क्योंकि उन्होंने किंग ऑफ सोर्स उनको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल मेरा ठीक फैसला था आई डोंट थिंक सो कि उनको शादी बसियों को रिग्रेट है या कोई ये है कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता या ये या वो नो उनको हंड्रेड एंड टेन परसेंट आप पसंद हो और आई डोंट थिंक सो कि उनके माइंड में ऐसा कुछ आने वाला है कि इसके बजाय वो होती है नो 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 होल एंड सोल आप ही की एनर्जी है यहाँ कारमा इनके कारमा का ये फल है कि आप इनको मिले हो ठीक है दिस पर्सन इज़ सो मच इन टू यू सो सो मच इन टू यू चैरियट बस इनका बस नहीं चलना आपको ले जाएँ बस चैरियट मूवमेंट ले जाए आपको और दिस पर्सन कॉन्ट वेट आई डोंट थिंक सो ये लोग ज़्यादा देर रुकेंगे भी आपके उधर ठीक <laughs> है तो ये आपको ले जाएँगे जल्दी से टेन ऑफ कप्स पता तो मुझे जैसे जिस तरह रेनबो कलर उसी यू सी द कपल जिसके पास सारी खुशियाँ होती हैं बना बड़ा खुश रहने वाला है नंबर तो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा आपको देख के और आपकी स्पेशली जो आपकी जो कलरफुल आपकी लुक है ना <laughs> बहुत ही प्यारी सी लग्जरी सी लुक राजकुमारी टाइप रानी टाइप बहुत ही बंदा इंप्रेस रहने वाला है सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपके ज्वेलरी दिस इज फॉर ज्वेलरी दिस इज़ फॉर स्पेशली वेडिंग डेकोर एज वेल और हर चीज़ है पूरी रॉयल स्टाइल की मुझे तो देख रही है भाई पेज ऑफ कप्स टू मच इमोशंस फॉर यू मैं बता भी नहीं सकती क्या इमोशन है इसको ख़ुद भी नहीं समझ आ रही इस पर्सन को कि मैं क्या इमोशन्स है क्योंकि लॉर्ड ऑफ कप्स इन आर कमिंग इनको ख़ुद भी नहीं समझ आ रही कि मेरी क्या मैं चाहता हूँ मैं क्या करूँ ये क्या हो रहा है जस्ट अगर ये अपने साथ ऐसा करें कि जस्ट गो विद द फ्लो तो इनके लिए बेहतर रहेगा अदरवाइज दिस पर्सन विल ब्रेक डाउन ये रो पड़ेंगी अदरवाइज़ अगर तो ये गो विद द फ्लो वाले एनर्जी में जाने के बाद जो हो रहा है उन्हें दो उन्हें दो बस जिस तरह से सारे कह रहे हैं करी जाऊँ और इसमें उस उसमें करी जाऊँ और फिर ज़्यादा ना सोचूं तो फिर तो ये सरवाइव कर लेंगे अदरवाइज अदरवाइज ये इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और ये रिवील कर देगा सबके सामने कि मैं ये कंट्रोल कर पा रहा खुद को एनीवेज आगे चलते लेट्स सी मोर व्हाट इज़ द थिंग डेंस यहाँ पर कुछ एनर्जी है आ, दिल टूटने की या दिल भर आने की या बहुत ज़्यादा कह लो जब होप नहीं होती और कोई काम हो जाता है वो वाली फीलिंग ग्रैटिट्यूड कोर्स टू मच ग्रेटफुल टू गॉड बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हैं यूनिवर्स के उस दिन के लिए आइसोलेशन आई थिंक ये जब तैयार हो गई सीधे सूट हुआ या देखो सूट ठीक है तो आई थिंक थोड़ा प्राइवेट पर्सन है तो मुझे लगता नहीं है कि इन पे अगर कोई कर रहे कि तुम ऐसे दिख रहे हो वैसे दिख रहे हो उनको इतना अच्छा लगे बिकॉज इस पर्सन इज ये शाह दिस जिस इज ना बिट शाह पर्सन या इंट्रोवर्ट और इनको नहीं पसंद कि मेरी लुक पर कोई कॉमेंट करे तो ये विल बी शाह थोड़ा सा ठीक है So, ऐसा कुछ है एक्सेप्टेंस मैंने बोला ना इस इंसान को चाहिए कि विद द फ्लो करे ठीक है जो हो रहा है उसको होने दें अदरवाइज ये इंसान नहीं कंट्रोल कर पाएगा ख़ुद पर सो आई थिंक उनको समझ आ जाएगी इस चीज़ की ऑफ कोर्स एक चीज़ आपका लाइफ में एक साइकिल ख़त्म होगा उनका भी एक साइकिल ख़त्म होगा तो आपके साथ एक दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट ओके कुछ लोगों केस में हो सकता है इनकी मॉम या फादर या दोनों ही शादी में ना उनकी हो उनकी डेथ होगी भी हो तो ऑब्वियसली ये इंसान उनको बहुत मिस करेगा या उनके कोई कोई और रिलेटिव कोई चाचा मामा ये उसको याद करेंगे कि वो भी होते तो आज कितना अच्छा होता रिजेक्शन अगेन यहाँ पे थोड़ी सी इनकी ना इमोशनल टू सी वाई रिजेक्शन परसेप्शन ओके गाइस इनका दिल जो है ना मे भी आप लोगों के कनेक्शन में कभी कोई ब्रेकअप रहा हो या इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो या आपने इनका ठीक है तो उन दिनों को याद करके कि जब आप दोनों लेदर थे या सेपरेट थे ये बंदा थोड़ा नोस्टैलजिक हो सकता है हो सकता है इसके ना आंखों के सामने वो दिन आए कि जब ऐसा था और वैसा था और लाइक ठीक है लेकिन स्टिल यू गैज मेड अप टुगेदर तो ये बहुत ही जो कह लो ना अच्छी चीज़ है लेट्स इ लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन मैं तेरा बन जाऊँगा दिस इज अ सॉन्ग ओके है ना सॉन्ग तेरी कसम ही खाऊँगा कि ते वाद्यान उमरा निभा दैट इज़ अ सॉन्ग Uh, आपकी लुक को कहते हैं कि आई कॉन्ट सर्वाइव आई कॉन्ट बीयर दिस लुक क्योंकि मैंने आपको बताया है बहुत इमोशनल बंदा है आई एम लकीस्ट पर्सन टू हैवर सबसे ज़्यादा मैं लकी हूँ कि मुझे ये मिलनी है हाँ कहते हैं कि मेरा दिल हार्ट बीट लिटरली स्टॉप्ड रुक गई थी एट वॉचिंग यू तुमको पहली बार से मतलब तो फिर दुल्हन के रूप में पहली बार देखा तो उनका दिल एकदम से धक 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 इट्स अ न्यू बिगनिंग ऑफ आवर लाइफ लेट सेलिब्रेट ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है और उसको सेलिब्रेट करते हैं uh. लेकिन तुम्हें आई इस कांट इस यहाँ मच्ला प्यू मेरी आँखों में देखो तुमको नहीं दिखता क्या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ आई नो यूर मिसमी टू मुझे पता है तुम तुम्हें मुझे याद करती होट वेट एनी मोर वो उनसे नहीं वेट हो रहा अभी कब आप चलेंगे उनके साथ शादी के रिस ख़त्म होंगे और आप चलेंगी उनके साथ लीव दिस हैंड इस हाथ को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा आई नेवर था दिस डे वुड कम एवेंचुअली मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आखिरकार कभी यह दिन देखना मेरे को जो है वो नसीब होगा <laughs> कभी दिन देखूंगा मैं आई वॉन्ट फ्रेश रोजेज़ फॉर अवर रूम हमारे यू you नो know, आपके जो कमरा है आपका आ, उसके लिए चाहते हैं कि फ़्रेश रोजेज़ का डेकोर हो नॉट द आर्टिफिशल वंस सो दैट कुड बी एबिट मैसी एनी वेज लेकिन फ्रेगरेंस ज़बरदस्त होती है फिर ठीक है क्योंकि सुबह सुबह जब वो रोजेज़ मुरझा आ जाते हैं ना बिल्कुल सारे को निकालना पड़ता है सो so, एनीज़ लेट लेट्स मेक दिस डे मेमोरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ अव इस दिन को हम सारी उम्र के लिए मेमोरेबल एक याद बना कर रखें या मैं अदर हाफ प्लीज़ कंप्लीट मी हूँ अमोन मै वे डारि मैं आ रहा हूँ तुम्हारी और आई कॉन्ट वेट टू किस माई लेडी लव मे से वेट नहीं हो रहा वन आई विल यू नो कभी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होगी रे, भाई ये जो सारी रस्में रस्में ना इनको बड़ा गुस्सा आना है उन पर ठीक है लाइक सब ये ख़ब ये ख़त्म होगा और मैं जाऊँ इसको लेके <laughs> वाई ऑलवेज़ वाई आई ऑलवेज़ ड्रीम अबाउट यू कहूँ तुम मुझे हमेशा मेरे ख्वाबों में आती हो मेरे सपनों में आती हो फर एवर योर्स फॉर एवर योर्स वेलकम टू माई स्मॉल वर्ल्ड मेरी छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत आपका स्वागत है मुझे लगता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है एक दूसरे से क्यों मुझे इतनी अट्रैक्शन फ़ील हो रही है डियर आपकी ब्राइड इतनी अट्रैक्टिव है इतनी खूबसूरत लग रही है तो आपको पता ही नहीं आपको क्यों अट्रैक्शन फील हो रही है यू आर द वन वो स्पेंट प्रीवियस लाइफ विद गाइस आपका सोलमेट है दो दफ़ा जब कन्फर्मेशन आती है ना कार्ड्स में दैट इज़ फॉर श्योर आई थिंक आपका सोलमेट है ठीक है यहाँ टू फ्लेम भी हो सकते हैं ओके वांट टू लिफ्ट यू इन माय आर्म्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी इनका दिल करेगा तुम तो आपको उठा लें बाहों में अपनी उधर ही यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी योर मेहंदी इज़ वेरी अट्रैक्टिव आपकी जो मेहंदी है ना टैटू इस वो भी आप लगवाएंगे बहुत उनको अच्छी लग रही है uh, कभी तो पास मेरे आओ कभी तो नज़रें मुझसे मिलाओ हो जाना दिस मोजल्स आई वो नन टू हर टू लिफ्ट इन माई आर्म्स और माई गॉड सेकेंड कन्फर्मेशन कद करो भाग के जाऊँ उसको अपनी बाहों में उठा लूँ सो यहाँ आपके जो है ना ये जो इनकी ख्वाहिशें हैं ना ये अधूरी रहती नहीं कुछ भी नहीं करना सबके सामने बता दूँ आपको पहली बिकॉज ये सब इनके माइंड में चल रही हैं चीज़ें बिकॉज़ यू नो आपके पापा उनके पापा <laughs> एल्डर के सामने थोड़ी करने वाले हैं सो एनी वेज लेट्स ये हमने तो उनका माइंड रेड किया है सो दैट्स इट फॉर टुडे आई विश यू बेस्ट ऑफ लाइक वाइल नंबर टू एंड मेरी प्रार्थना है एंड दुआ है क्या आपकी जैसे मैंने एक्सप्लेन करी इससे भी ज़्यादा अच्छा माहौल हो आपकी शादी वाले दिनों के सो दैट्स इट फॉर टुडे आज मैं नेक्स्ट टू डे एंडस्ट एम टेक वेरी गुड केयर फियर सेफ़ बाय बाय